नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने के पीछे होने वाली गांठ के बारे में, जिसे कि हम बैकर्स सिस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, बैकर्स सिस्ट को पॉपलिटियल सिस्ट या फिर साइनोवियल सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये द्रव से भरी एक नरम गांठ होती है जो कि घुटने के पीछे विकसित हो जाती है। हिंदी भाषा में इसे घुटने के पीछे की गांठ भी कहा जाता है और इस गांठ को कभी कभी खून का थक्का भी समझ लिया जाता है। बैकर सिस्ट आमतौर पर घुटने में किसी प्रकार की चोट लगने के कारण विकसित होता है और जब घुटने के अंदर और उसके आसपास की संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसमें अधिक मात्रा में द्रव बनने लग जाता है। घुटने को प्रभावित करने वाले रोगों के कारण भी बैकर सिस्ट हो सकती है, जैसे कि गठिया या कार्टिलेज क्षतिग्रस्त होना। इसके अंदरूनी कारणों का इलाज करके समस्याओं को कम किया जा सकता है। वैसे तो बैकर सिस्ट से कोई दीर्घकालिक समस्या पैदा नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ये काफ़ी परेशान कर देने वाली स्थिति हो सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में घुटने के पीछे की गांठ फट जाती है, जिससे कि काफ़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। गांठ फट जाने से उसके अंदर का द्रव टांग में नीचे की तरफ यानी कि पिंडली में बहने लग जाता है, जिससे कि टखने के आसपास नील भी पड़ जाता है। दोस्तों, घुटने के पीछे विकसित होने वाली दर्दनाक गांठ को बैकर सिस्ट कहा जाता है और ये गांठ द्रव से भरी होती है और इसके अंदर द्रव भरा होने के कारण यह ऊपरी की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है और इसके आसपास के क्षेत्र में जकड़न भी महसूस होती है और डॉक्टर मेडिकल भाषा में इसे पॉपलिटियल सिस्ट भी कहते हैं। बात की जाए इसके लक्षणों की तो घुटने के पीछे गांठ होने पर कुछ लोगों को किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हो पाता है और कई बार तो उनको गांठ का पता भी नहीं चल पाता है। वैसे घुटने के पीछे सूजन आना या गांठ बनना ही बैकर सिस्ट का सबसे मुख्य लक्षण होता है। व्यक्ति के खड़ा होने के बाद भी उसके दोनों घुटनों में अंतर दिखाई देता है और कई बार घुटने के पीछे बनी हुई गांठ पानी से भरे एक छोटे गुब्बारे की तरह दिखाई दे सकती है। और इसके कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो घुटने में दर्द होना, पिंडली में दर्द होना, घुटने के आसपास द्रव जमा होना या घुटने के जोड़ से किसी प्रकार की असामान्य आवाज आना। बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको घुटने के पीछे दर्द या सूजन महसूस हो रही है या फिर घुटने के पीछे छूने पर कोई गांठ महसूस हो रही है तो ऐसे में डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। घुटने के पीछे किसी प्रकार की गांठ बनना बैकर सिस्ट के अलावा अन्य कई गंभीर स्थितियों का संकेत भी दे सकता है। अब बात की जाए कि ये बैकर्स सिस्ट क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं, तो दोस्तों घुटने के जोड़ में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं और ये द्रव घुटने के जोड़ में चिकनाई रखता है, जिससे कि टांग आसानी से हिल डुल पाती है। लेकिन कुछ मामलों में बहुत अधिक मात्रा में साइनोवियल फ्लूइड बनने लग जाता है और घुटने के पिछले हिस्से में जमा होकर एक गांठ के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसके कुछ कारणों की बात करें तो पहला है घुटने में सूजन होना। जब घुटने में पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, घुटने में दबाव बढ़ने पर यह द्रव घुटने के पिछले हिस्से में चला जाता है और सिस्ट यानी कि गांठ में जमा हो जाता है। बात की जाए गठिया की, तो यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का गठिया है तो उसके घुटने के पीछे गांठ होने का खतरा बढ़ जाता है। गाउट की बात करें तो ये भी एक प्रकार का गठिया होता है जो कि खून में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण विकसित होता है और गाउट के कारण भी बैकर सिस्ट हो सकती है। और बात की जाए चोट लगने की, तो खेल कूद के दौरान या किसी भी प्रकार की दुर्घटना के दौरान घुटने में चोट लगने से भी घुटने के पीछे गांठ बन सकती है। और अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि बैकर्स सिस्ट की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचें। तो घुटने की चोट और उसके आसपास की चोट से बचाव करके बैकर्स सिस्ट विकसित होने से भी रोकथाम की जा सकती है। कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप घुटने में चोट लगने से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि उचित जूते पहने, पीछे मुड़ने के लिए घुटनों की बजाय पैर के तलवों का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज या फिर किसी प्रकार की गतिविधि करने से पहले शरीर को वार्म अप कर लें, और यदि आपके घुटने पर चोट लग गई है तो कोई भी गतिविधि ना करें और अपने घुटने का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि घुटने की चोट गंभीर हो या एक दो दिन के भीतर ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बात की जाए कि इसका निदान कैसे किया जाता है, तो बैकर्स सिस्ट का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर प्रभावित घुटने में सूजन की जांच करते हैं और गांठ वगैरह का पता लगाते हैं। यदि गांठ छोटी है तो वे प्रभावित घुटने की दूसरे स्वस्थ घुटने से तुलना कर सकते हैं और टांग को हिला डुला कर देख सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में बैकर सिस्ट कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करता है, लेकिन इससे लक्षण अन्य गंभीर स्थितियों से जुड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि खून का थक्का जमना या ट्यूमर वगैरह। और इसीलिए बैकर सिस्ट की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर कुछ इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या फिर MRI स्कैन। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटने के पीछे ये जो गांठ होती है इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आमतौर पर पॉपलिटियल सिस्ट का इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हालांकि यदि सूजन अधिक बढ़ जाए या दर्द गंभीर हो जाए तो डॉक्टर कुछ तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं।
दोस्तों बात की जाए कुछ दवाओं की, तो सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर घुटने में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि कॉर्टिजोन दवा का इंजेक्शन लगा सकते हैं और ये दवा दर्द और सूजन को कम कर देती है, लेकिन इसके फिर से होने से रोकथाम नहीं कर पाती है। दूसरा होता है द्रव को निकालना। डॉक्टर सुई की मदद से घुटने में जमा अतिरिक्त द्रव को निकाल सकते हैं और इस प्रक्रिया को निडल एस्पिरेशन कहा जाता है और इस प्रक्रिया को करने के लिए आमतौर पर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। और बात की जाए शारीरिक थेरेपी की, तो प्रभावित हिस्से की सिकाई करने, हल्की पट्टी बांधने और कुछ समय तक बैसाखी वगैरह का उपयोग करने से घुटने की सूजन और जलन को कम किया जा सकता है। प्रभावित टांग को जितना संभव हो हिलाने की कोशिश करना और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बेकर सिस्ट के लक्षणों को कम करने में मदद करती है और घुटने के काम करने की क्षमता में सुधार करती है। बेकर सिस्ट के दोबारा होने से रोकथाम करने के लिए उसके अंदरूनी कारण का इलाज करना ज़रूरी होता है और एक सामान्य नियम के अनुसार यदि सिस्ट का इलाज ना करके इसके अंदरूनी कारण का इलाज कर दिया जाए तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। यदि घुटने में मौजूद कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो गया है तो ऐसे में डॉक्टर उसे ठीक करने या उसे निकालने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। और बात की जाए कि घुटने के पीछे गांठ होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो आम तौर पर बेकर्स सिस्ट से बहुत ही कम मामलों में कोई समस्या हो पाती है। यदि गांठ फट गई है, जो कि काफ़ी दुर्लभ मामलों में हो पाता है, तो ऐसे में कुछ समस्याएं हो जाती है, जैसे कि घुटने में गंभीर और तीव्र दर्द होना, लालिमा और सूजन होना, पिंडली यानी कि घुटने के नीचे की टांग का हिस्सा लाल हो जाना और ऐसा महसूस होना जैसे कि पिंडली में कोई द्रव नीचे की तरफ बह रहा है। ये लक्षण टांग की नस में खून का थक्का जमने पर विकसित होने वाले लक्षणों से काफ़ी बारीकी से मेल खाते हैं। और यदि आपकी पिंडली में सूजन और लालिमा हो गई है तो आपको जल्द से जल्द मेडिकल जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि यदि ये किसी गंभीर समस्या के कारण हो रहा है तो उसका जल्द से जल्द इलाज करवाया जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for your time.